तो इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल्स की अगर अपन बात करेंगे तो वी कैन राइट दैट, जैसे मान लो अपने पास H2 मॉलिक्यूल है, तो एक हाइड्रोजन के दो इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो दो हाइड्रोजन के दो इलेक्ट्रॉन, विल राइट टू इलेक्ट्रॉन्स फॉर दिस। तो वैसे ही अगर मेरे पास हीलियम मॉलिक्यूल है तो इसके लिए अपन फोर इलेक्ट्रॉन लिख लेंगे, अगर अपने पास लिथियम मॉलिक्यूल है तो इसके सिक्स इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, बेरिलियम है तो एक बेरिलियम फोर होता है तो दो के लिए एट इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, बोरॉन के लिए अपन लिखेंगे दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन के लिए 12 इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन के लिए विल राइट दैट इट इज 14 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन 16 इलेक्ट्रॉन। और अगर किसी पे चार्ज है, जैसे अपन लिखेंगे भाई H2 है पॉजिटिव, तो H2 के तो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ऐसे ही ऑक्सीजन पॉजिटिव है तो 15, और अगर ऑक्सीजन नेगेटिव है तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेंगे, लाइक दैट वी कैन राइट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो पॉजिटिव चार्ज आएगा तो अपन वी नो दैट व्हाट वी हैव टू डू, और अगर नेगेटिव चार्ज आएगा तो अपन को पता है क्या करना है। अगर ओ टू टू नेगेटिव लिखा तो दो इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा, ओ टू के लिए कितना 16 होता है, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो एक कम कर देंगे, नेगेटिव चार्ज आएगा तो एक बढ़ा देंगे, लाइक दैट वी कैन राइट द इलेक्ट्रॉन्स। तो ठीक है, अपन को बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ना होता है, लेकिन अपन को ऐसे चेक कर लेना होता है कि हाउ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी कैलकुलेटेड। अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। अब अगर अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अपन को क्या पढ़ना है, तो लेट अस चेक मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेता हूं, एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, अपन एनर्जी में लिख लेता है, एनर्जी के फॉर्म में द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे कम एनर्जी होता है जो न्यूक्लियस के पास होगा, जिसकी सबसे कम एनर्जी होगी वो होता है सिग्मा वन एस, फिर सिग्मा स्टार वन एस, सिग्मा टू एस, सिग्मा स्टार टू एक्स, पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई, सिग्मा टू पी जेड, पाई स्टार टू पी एक्स, पाई स्टार टू पी वाई एंड सिग्मा स्टार टू पी जेड। अपन को इतना ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पड़ता है। अब अगर अपन चेक करेंगे तो अपन बोल सकते हैं ये शेल वन एस है, ये टू एस है और ये टू बी है। एक्चुअली एक एटम का वन एस और दूसरे एटम का वन एस, अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स करेंगे तो अपने पास दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक बॉन्डिंग होगा दूसरा एंटी बॉन्डिंग होगा, है ना, एक बॉन्डिंग होगा दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। तो बॉन्डिंग एनर्जी हमेशा कम होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से, सभी शेल्स में द एनर्जी ऑफ द बॉन्डेड ऑर्बिटल्स, ये 2s था, तो एक एटम के 3p ऑर्बिटल्स और दूसरे एटम के 3p ऑर्बिटल्स, तो विल गेट 6p ऑर्बिटल्स, तीन बॉन्डेड ऑर्बिटल्स होंगे और तीन एंटी बॉन्डेड ऑर्बिटल्स। अभी व्हाट हैपेंस कि भाई इसमें दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज एप्लीकेबल अप टू द मॉलिक्यूल्स टिल नाइट्रोजन, सो विल से दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर मॉलिक्यूल्स अप टू नाइट्रोजन एटम, सो नाइट्रोजन, सो विल राइट दैट लाइक दिस फॉर दैट इज, अब सारे मॉलिक्यूल्स लिखने की जरूरत नहीं है अपन को, अपन लिख सकते हैं फॉर अप टू एन टू मॉलिक्यूल। अब एन टू मॉलिक्यूल का मतलब हो गया कि पीरियोडिक टेबल में ये सभी के लिए वो एप्लीकेबल है, बट नॉट फॉर ऑक्सीजन, बट नॉट फॉर ऑक्सीजन पॉजिटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव, बट इट इज एप्लीकेबल फॉर हीलियम टू पॉजिटिव और नाइट्रोजन टू पॉजिटिव और नाइट्रोजन नेगेटिव, मतलब नाइट्रोजन में अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तब भी वो एप्लीकेबल है। तो बाकी मॉलिक्यूल्स के लिए क्या, तो बाकी मॉलिक्यूल्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा चेंज होता है, दैट इज सिग्मा वन एस, सिग्मा स्टार वन एस, सिग्मा टू एस, सिग्मा स्टार टू एस, पाई टू पी एक्स एंड पाई टू पी वाई। तो
तो यहां पर हम क्या करते हैं, इसको पहले लिखना होता है बिल्कुल सिग्मा टू पी से। तो मैं थोड़ा सा वैसे ही लिख देता हूँ, सही मतलब थोड़े वैसे रखते हैं, तो इधर सिग्मा टू पी जेड आएगा, फिर पाई टू पी एक्स एंड फाइव पाई टू पी वाई आता है, पाई स्टार टू पी एक्स एंड पाई स्टार टू पी वाई आएगा, तभी सिग्मा स्टार टू पी जेड। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और जो चेंज आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वो यहां आता है इस वाले पार्ट। तो ये वाले का एनर्जी, क्योंकि यहां पर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है, पहले 1s का एनर्जी कम होता है 2s का, 2s का एनर्जी कम होता है 2p का, तो यहां कोई सबशेल में चेंज, यहां कोई शेल में चेंज नहीं आ रहा, बस एक ऑर्बिटल है कि z का एनर्जी सिग्मा 2pz का एनर्जी पाई 2px और पाई 2py से कम हो जाएगा। अगर उसकी एनर्जी कम हो जाएगा तो यहां पर अपन पहले इनको फिल करेंगे, फिर इसको यहां पर पहले इसको फिल करेंगे, फिर इनको। मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन ऑनवर्ड्स, दिस इज फॉर मॉलिक्यूल्स O2 ऑनवर्ड्स, दैट इज हाउ वी राइट। हम O2 ऑनवर्ड्स मॉलिक्यूल्स के लिए लिखेंगे। नाउ दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वी विल राइट दैट। इफ सो वी नो दैट फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल फॉलो द ऑफबाउ प्रिंसिपल, मैंने आपको फीचर्स में लास्ट टाइम लिखा था, अपन ने फीचर्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, उसमें मैंने आपको लिखा था कि हाउ टू राइट द फीचर्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ द सबशेल्स, तो पहले इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, इन दोनों का एनर्जी सेम है। अगर इन दोनों का एनर्जी सेम है तो आप उनको पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करो, फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन फिल करो। अब ऐसे फिल कर सकते हैं। अब ठीक है, सो विल रीड दैट पॉइंट नंबर टू, इफ एनी ऑफ द ऑर्बिटल्स, अगर इनमें से किसी भी ऑर्बिटल का, पहले आप ये लिख लो फिर मैं आपको मतलब बता देता हूं। तो शुरू करते हैं अपन। अब हर एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, वी नो दैट राइट, हर एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो अपन कहेंगे ठीक है अगर हर एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं तो विल राइट दैट इफ एनी ऑफ द ऑर्बिटल्स, ऑफ द ऑर्बिटल्स हैव अनपेड इलेक्ट्रॉन, then molecules as paramagnetic in nature. Then molecule is paramagnetic in nature. Right? अगर किसी भी ऑर्बिटल में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आता है, किसी भी ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है तो विल से दैट मॉलिक्यूल विल बी पैरामैग्नेटिक, अदरवाइज इट इज डायमैग्नेटिक। वी नो दैट व्हाट इज पैरामैग्नेटिक।
अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको अपन पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। सो वी राइट दैट पैरामैग्नेटिक के लिए द मैग्नेटिक मूवमेंट, तो अगर पैरामैग्नेटिक होगा तो मैग्नेटिक मूवमेंट विल बी इक्वल टू दैट म्यू विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एन इनटू एन प्लस टू बोर मैग्नेटॉन, एन इज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, वी नो दैट, वेयर एन इज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, वेयर एन इज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इनमें से किसी में भी अगर अपन को एक पी अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखता है तो फिर बता सकते हैं मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट वी कैन राइट दैट इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन सिग्मा एंड पाई ऑर्बिटल्स आर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, उनको अपन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। And those present in sigma star and pi star are antibonded electrons. And in sigma star and pi star are antibonded electrons. जो sigma star और pi star में present होते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन इनमें present होंगे, they are called bonded electrons. और जो इलेक्ट्रॉन इनमें present होंगे they are called antibonded electrons. We got that. What are bonded electrons? What are antibonded electrons? Now we can calculate the bond order. Bond order, we know that what it is. It is number of bonds present between any two atoms is called bond order. Number of bonds present in any two atoms is called bond order. So bond order is number of bonds between any two atoms. Number of bonds between any two atoms is called bond order. So, अगर यहाँ पर लिखिए, if bond order is an integer, that is हमेशा मतलब पॉजिटिव इंटीजर होगा, इंटीजर, if the bond order is a positive integer, then molecule exists. मतलब bond order से मैं ये बता सकता हूं कि कोई भी आपने जो molecular form में लिखा हुआ है वो exist करेगा या नहीं करेगा. That is the role of molecular orbital theory. Molecular orbital theory explains the stability or either existence of molecules. हाउ टू कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर, तो अपन वो देख लेते हैं. अब बॉन्ड ऑर्डर अपन कैलकुलेट भी कर सकते हैं ऐसे, इसमें हाउ टू कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर जो होता है, दैट इज इक्वल टू होता है 1/2 इनटू नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स. बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे अपन, number of bonded electron and number of antibonded electrons, where NB is number of bonded electron. और bonded electron कौन से होते हैं, जो sigma और pi orbitals में present होते हैं. और antibonded electrons कौन से होते हैं, तो is number of that is present in
ये तो सिग्मा एंड पाई था, और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स मींस इट इज इन सिग्मा एंड सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार, दैट इज द नंबर ऑफ एंटी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर बॉन्डेड वैल्यू अपन इससे कैलकुलेट कर लेंगे, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स वी नो दैट, अपन यहां से कैलकुलेट करेंगे जिसमें स्टार नहीं है वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिसमें स्टार नहीं है उनमें अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जिनमें स्टार है उनमें अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो एंटी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। इफ बॉन्डेड इज फ्रैक्शनल, बॉन्डेड जीरो भी हो सकता है, मान लो जीरो, देन मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, देन मॉलिक्यूल डो नॉट एग्जिस्ट, देन मॉलिक्यूल डो नॉट एग्जिस्ट। इफ बॉन्डेड इज फ्रैक्शनल, वो फ्रैक्शनल भी हो सकते हैं, सो वी जस्ट से दैट मॉलिक्यूल एग्जिस्ट बट लेस स्टेबल, तो थोड़ा अनस्टेबल भी होता है, सो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट बट अनस्टेबल, देन इंटीजर मॉलिक्यूल्स, देन द मॉलिक्यूल विच आर गेटिंग पॉजिटिव इंटीजर ना, उनसे तो ये कम स्टेबल होगा क्योंकि बॉन्डेड फ्रैक्शनल होगा, फ्रैक्शनल मीन्स पार्शियल बॉन्ड्स, जैसे अपन ने बॉन्डेड रेजोनेंस में कैलकुलेट किया था, रेजोनेंस फेनोमेना में कैलकुलेट किया था, दे ऑल आर कमिंग टू बी फ्रैक्शनल बिकॉज द बॉन्ड आर पार्शियल बॉन्ड्स। So molecule exists but unstable, So अगर अपन से fractional bonded आया और अपन से पूछा कि बताओ molecule exist करेगा, हाँ करेगा, कोई problem नहीं। So these are few points which are required for calculation of bonded or to predict the स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अब अपन कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं, अब इसको नोट कर लो, मैं फिर एग्जाम्पल बता देता हूं जिससे अपन एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं भाई। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हमको बतानी होगी वो हमेशा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से, बतानी पड़ेगी। हाउ मेनी बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स, What is paramagnetic character, what is the bond order, उसके basis पे ही बताएंगे। तो मेरे पास जैसे H2 molecule है, तो it has two electrons, so the electronic configuration I will write that sigma 1s and sigma star 1s। मैं ये पूरा भी लिख सकता हूं लेकिन उतने इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, दो तो इलेक्ट्रॉन है, वो फर्स्ट वाले में ही आ जाएंगे, इस वाले में दो इलेक्ट्रॉन, इसमें तो इलेक्ट्रॉन भी नहीं आया, तो अपन कहेंगे इसका बॉन्ड ऑर्डर जो होगा तो बॉन्ड ऑर्डर विल बी इक्वल टू हाफ इंटू, दो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन एंटी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, 2-0, सो अपन कहेंगे 2-0 दैट इज इक्वल टू 1, देयरफॉर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट एज, है ना, so there is single bond between the two atoms, we'll say that क्योंकि bond order one आया, so there is a single bond between the two atoms, there is a single bond between the atoms, so the molecule exists like this with a single bond between the two atoms। So, and I can write that this is diamagnetic in nature. Why it is so? Because this is paired, completely paired. वहाँ पर कोई unpaired electron नहीं है, इसलिए मैं इसको diamagnetic भी लिख सकता हूँ। ये इधर दोनों ही electron, दो जो electrons हैं, वो orbitals में paired electrons हैं, इसलिए वो diamagnetic होगा। मैं helium के लिए लेता हूँ। Suppose we are given like this, helium molecule है, ये पर ने लिखा। तो हीलियम मॉलिक्यूल के लिए वी कैन से दैट इट इज सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s,
Now we know that the number of electron is 4 electron in the helium molecule. ठीक है, तो अपन इसमें दो इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, इसमें दो इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे, 1/2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स ये होंगे, और ये स्टार वाले हैं तो एंटी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जो इलेक्ट्रॉन्स सिग्मा में प्रेजेंट है या पाई में प्रेजेंट है उनको अपन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार और पाई स्टार में प्रेजेंट है उनको अपन एंटी बॉन्डेड कहते हैं। सो वी गॉट दैट इट इज 2-2 दैट इज इक्वल टू 0। सो हीलियम डज नॉट एग्जिस्ट एज अ मॉलिक्यूल, इट एग्जिस्ट एज अ सिंगल एटम। अगर बॉन्डेड ऑर्डर 0 आ रहा है, मॉलिक्यूल डजंट एग्जिस्ट, मतलब वो मॉलिक्यूल में जो एटम्स हैं वो इंडिविजुअल एटम जैसे एग्जिस्ट करेंगे। सो हीलियम डजंट फॉर्म मॉलिक्यूल, डू नॉट फॉर्म मॉलिक्यूल, फॉर्म मॉलिक्यूल। तो अपन को पता चल गया कि भाई हीलियम जो है वो मॉलिक्यूल फॉर्म नहीं करता है। तो दूसरा एग्जांपल लिख सकते हैं, सपोज मेरे पास ऐसे गिवन है, हीलियम 2 पॉजिटिव, तो नंबर ऑफ हीलियम पॉजिटिव, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 3 इलेक्ट्रॉन्स, देन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज लाइक दिस, सिग्मा सिग्मा स्टार 1s। तो अपन बॉन्ड ऑर्डर अगर कैलकुलेट करेंगे तो विल हैव बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स एंड दैट इज 2 माइनस, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर 3, 2-1, so we got it, it is 1/2.5. Now, helium molecule exists, थोड़ा unstable होगा, लेकिन but it exists. So, helium molecule as a ions exists. No doubt, it will be unstable, but वो exist करेगा. अगर किसी पे charge है तो obviously बात है, we know that ions are less stable. तो उनपे उनका स्टेबिलिटी थोड़ा कम होगा लेकिन वो एग्जिस्ट करेगा। अभी अपन सभी के लिए लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, वी आर हैविंग सो मेनी मतलब मॉलिक्यूल्स। तो आप देखो, तो मैं आपको बता देता हूं भाई, और उसमें तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, सो इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ये डायमैग्नेटिक था, ये भी डायमैग्नेटिक था, डायमैग्नेटिक एक भी था बट वो पैरामैग्नेटिक था, दिस इज पैरामैग्नेटिक। यू नो दैट हाउ टू कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर, उनको बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करना है पता है। तो इसमें दो ही चीजें हमने दी थी, एक तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, दूसरा बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मैं एक डाउट चलेगा, नीचे वाले पार्ट को नहीं हटाऊंगा, एग्जांपल वाले पार्ट को, बाकी पर हटा सकते। अब मैंने आपको कैसे बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है बताया, तो कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए आप लोग कैलकुलेट करके बताओगे। मेरे पास ऐसे गिवन है, ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स लिख लेते हैं, पर
अपन ऐसे बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करके लिख लेते हैं, ये मॉलिक्यूल्स हैं जो मैंने आपको दिए, और इस पर अपन लिख सकते हैं फिर उनका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, फिर अपन उनका मैग्नेटिक कैरेक्टर भी लिख सकते हैं, ऐसे अपन लिख सकते हैं, व्हाट विल बी, इट विल बी पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक इवन विद द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो अपन बता सकते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, वो अपन बता सकते हैं। अब इसमें आपके पास ये ऑलरेडी गिवन है, एक बार लिखो, और इलेक्ट्रॉन्स मैंने वैसे सीक्वेंस में लिखा हुआ है, आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, मैं इसमें एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ऐड कर सकता हूँ, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट देयर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो लिथियम में तो वैसे वहां लिखा हुआ था, इसलिए मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कॉलम नहीं बनाया, लेकिन आप इलेक्ट्रॉन यहाँ साइड में लिख सकते हो, वैसे ये 6 इलेक्ट्रॉन है, ये 8 इलेक्ट्रॉन है, रादर देन फॉर्मिंग अ कॉलम, ना कॉलम बनाने से अच्छा है वही लिख लेते हैं। तो ये 10 इलेक्ट्रॉन है, ये 12 इलेक्ट्रॉन है, 14, 13, 15, 16, 15 एंड 17। आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आप अगर मुझसे बोलोगे तो मैं कैलकुलेट कर दूंगा, और अगर आप अपने आप कैलकुलेट कर सकते हो तो अपने आप कैलकुलेट करो। एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो और बाकी सभी में अपना कैलकुलेट करो।
हो गया सर लास्ट बचा ठीक है कर लो अभी थोड़ा और टाइम दे देते हैं बाकी सब लोग भी कर लें सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s वैसे अगर अपन को लिथियम के लिए करना था तो 6 इलेक्ट्रॉन थे तो दो इसमें आ जाते दो इसमें आते दो इसमें आते तो बॉन्डर अगर अपन कैलकुलेट करते हैं तो 1/2 × बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो गए थे 4 और एंटी बॉन्डेड हो गए थे 2 तो 1/2 × 2 आ जाता तो अपने पास 1 आंसर। अब अगर बेरिलियम होते तो 8 इलेक्ट्रॉन होते तो 8 इलेक्ट्रॉन होते तो अपन कहते दो और ऐड कर दो और है ना नहीं सिग्मा स्टार 2s में और आ जाते इलेक्ट्रॉन तो बेरिलियम के लिए ये तो लिथियम के लिए था। अब बेरिलियम के लिए लिखता तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते तो यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेते थे तो अब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते 4 और एंटी बॉन्डेड कितने हो जाते 4 तो बॉन्ड ऑर्डर क्या था 0। ठीक है ना। अब बोरॉन की बात करते हैं अपन तो बोरॉन की बात करते हैं तो बोरॉन में तो 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 10 इलेक्ट्रॉन होते तो हमें इसकी भी जरूरत पड़ती पी वाले की भी जरूरत पड़ती 10 इलेक्ट्रॉन तो अगर अपन को बोरॉन की बात करनी है तो अब इसमें और ज्यादा इलेक्ट्रॉन फिल करने पड़ेंगे इससे तो बोरॉन में तो 10 इलेक्ट्रॉन है तो ये हो जाएगा पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई। अब इन दोनों का एनर्जी तो सेम है तो इन दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करना पड़ेगा। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करो फिर पेयरिंग शुरू होता है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर पर कैलकुलेट करते हैं तो क्या आता है अपने पास नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन विल बी 2, 4, 5 and 6 सो ये 6 - 4 आने वाला दैट इज इक्वल टू 1 तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर भी 1 आता है। अब अगर अपन सपोज करते हैं कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन में तो 12 हो जाते इलेक्ट्रॉन्स कार्बन में तो 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं C2 मॉलिक्यूल में दैट विल बी 12 इलेक्ट्रॉन्स 12 इलेक्ट्रॉन का मतलब है इनमें पेयरिंग कर देता है क्योंकि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन था अब इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर देता तो पेयरिंग हो जाती। अब पेयरिंग होता तो 2, 4, 6, 8 -4 हो जाता फिर 8 - 4 होता तो कार्बन के लिए इट विल बिकम 2 सो बॉन्ड ऑर्डर 2 आ जाता। मैं इनके बॉन्ड ऑर्डर लिख देता हूं ये 1 था ये 0 था ये 1 था ये 2 था ये बॉन्ड ऑर्डर। अब वैसे तो अपन सारे लिख सकते हैं क्योंकि आपने ये 3 आ जाएगा ये 2.5 आ जाएगा ऐसे अपन सब लिख सकते हैं लेकिन एक बार पहले सबको समझ में आ जाएगा। अब सिग्मा 2 पी जेड होगा
तो अगर अपन नाइट्रोजन की बात करेंगे तो N2 के केस में क्या होता है, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टू और आ जाएंगे, तो बॉन्डेड कितने हो गए, 6 ये हो गए बॉन्डेड और 4 यहाँ हो गए बॉन्डेड। तो अगर N2 के लिए बॉन्डेड अपन कैलकुलेट करेंगे तो 2 बॉन्डेड यहाँ पर, 4, 6, 10, 12, 10 हो गए टोटल, तो 10 माइनस 4 हो जाता, तो अपने पास 3 आ जाता, 4 कौन से, एंटी बॉन्डेड तो यही रहते हैं ये वाले दोनों, और ये बॉन्डेड हो गए 2, 4, 6, 8 and 10, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। समझ में आया C2 मॉलिक्यूल और सारे, किसी को डाउट है तो बताओ। तो यहां पर अपने पास 3 बॉन्ड, और अपन कहेंगे यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 13 थे, तो फिर आप एक इलेक्ट्रॉन यहां से माइनस करोगे, तो फिर ये ऐसे हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 13 के केस में, तो और अगर ऐसे होगा तो यहां पर 9 माइनस 4 हो जाएगा और डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, पर तो 2.5 आएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होगा। अब अपन कहेंगे ठीक है, और N2 नेगेटिव के लिए तो अपन कहेंगे N2 नेगेटिव अगर लिखोगे आप, तो N2 पॉजिटिव तो कर लिया अपन ने, N2 नेगेटिव में एक इलेक्ट्रॉन ऐड और हो जाएगा, तो यहां तक तो अपन ने 14 लिखा था, ये 14 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो अब अपन एंटी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यहां तो स्टार वाले होंगे, सिग्मा पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py सिग्मा स्टार 2pz, तो जो नंबर 15th इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ वो एंटी बॉन्डेड में हुआ, तो फिर ये 10 माइनस 5 हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ वो एंटी बॉन्डेड में इलेक्ट्रॉन हुआ, तो 10 माइनस 5 इज अगेन 2.5, तो ये तो फिर से 2.5 आ गया। O2 molecule is 16, मतलब we are going to write here again the 16, so 16 के केस में it becomes how much, 10 minus 6, so it will become 2, so bond order comes out to be 2, 15 electrons में 2.5 आता है bond order, we know that, और अब अपन 17 electron की बात कर लेते हैं, तो 15 में तो ऐसे आता है 10 point, मतलब 2.5 अपन ने देख लिया भाई, 15 electron में वो 2.5 आता है, अपन ने लिख लिया। तो फिर अपन कहेंगे ठीक है, विल राइट लाइक दिस, तो अब इसमें अपन O2 नेगेटिव की बात करते हैं, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन और आएगा, तो 16 हो गया, ये 17 हो गया, मतलब इट बिकम्स 10 माइनस 7, 10 माइनस 7 का मतलब 1.5 आ जाएगा, दैट इज, तो ये 1.5 आ गया बॉन्ड ऑर्डर, सो सारे बॉन्ड ऑर्डर मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाए, ये 1.5 आ गया। अब ये भी पैरामैग्नेटिक था, अब जिसमें ऑड इलेक्ट्रॉन है वो तो पैरामैग्नेटिक है ही, ये भी पैरामैग्नेटिक होगा, ये भी पैरा होगा, ये भी पैरा होगा, जिसमें ऑड इलेक्ट्रॉन है वो तो हो गई पैरामैग्नेटिक, लेकिन जिसमें इवन है तो O2 भी पैरामैग्नेटिक है, इवन नंबर है तब भी वो पैरामैग्नेटिक है, इवन नंबर है तब भी वो पैरामैग्नेटिक है, और अगर अपने पास बोरोन है वो इवन है तब भी पैरामैग्नेटिक है। अब बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करोगे, ऑप्शन तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए वो पैरामैग्नेटिक है, ऑप्शन के केस में इट इज पैरामैग्नेटिक बिकॉज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज लाइक दिस, ऑक्सीजन इज दिस, और ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, अगर मैं इसको ऐसे लिख लेता, अगर मैं ऑक्सीजन 2 नेगेटिव लिख लेता तो इट बिकम्स 18 इलेक्ट्रॉन्स, तो 18 इलेक्ट्रॉन मतलब मैं यहां पर 16 हो गया, ये 17 हो गया, अब 18 हो गया, तो ऑक्सीजन अगर -2 होता तो डायमैग्नेटिक होता, ऑक्सीजन -1 हो या +1 हो वो फ्रैक्शन आ रहा है, फ्रैक्शन तो हमेशा होता। तो अपन क्या करेंगे, अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे पास ऑड गिवन है तो पैरामैग्नेटिक तो होगा ही होगा, बिकॉज़ इसका पेयरिंग पॉसिबल नहीं है,
बाकी इवन के केस में एक बार अपन चेक कर लेंगे, इवन नंबर के केस में अपन एक बार चेक कर लेंगे। इवन नंबर में वैसे बोरोन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होते हैं। बोरोन इसलिए क्योंकि बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी लाइक दिस। बोरोन में 10 इलेक्ट्रॉन है, आप देख सकते हैं, ही विल राइट द इलेक्ट्रॉन लाइक दिस, दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो जीरो है तो डाया हो गई होगा। तो बोरोन में दो अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, मैग्नेटिक मोमेंट भी लिख सकते हैं, तो कितना होगा। अब डायमैग्नेटिक में तो म्यू विल बी इक्वल टू जीरो, बट पैरामैग्नेटिक में अपन को म्यू बताना पड़ेगा, इसमें दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अपन को पता है कैसे कैलकुलेट करना है। म्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, अंडर रूट ऑफ टू दैट इज एन इनटू एन प्लस टू, इसमें दो अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, अपन ने मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट किया, ये म्यू जीरो, म्यू डायमैग्नेटिक है तो जीरो होगा, पैरामैग्नेटिक में विल राइट दैट 1.732, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन था, N2 नेगेटिव में भी एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, दिस इज O2 ना, इसमें दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है 2.87, O2 पॉजिटिव में एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है 1.732, O2 नेगेटिव में देयर विल बी ओनली वन इलेक्ट्रॉन राइट ना 2.732, और ये म्यू इक्वल टू 0, वी कैन राइट लाइक दिस। आप मैग्नेटिक बिहेवियर अनपेड इलेक्ट्रॉन के नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे अपन लिख सकते हैं। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे अपन मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक मोमेंट लिख सकते हैं। कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल रहा है अपन को, उसके बेसिस पे आप लिख सकते हो। तो मुझे लगता है कि अपन को कैलकुलेशंस आ गया, कैसे अपन कैलकुलेट करेंगे, मैंने ऑलमोस्ट सारे मॉलिक्यूल्स आपको बता दिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अपन ने सारे मॉलिक्यूल चेक कर लिए कि कैसे अपन को कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक मोमेंट एज वेल एज द बॉन्ड रेट। तो ये सारी चीजें अपन को पता चल गई कि मैग्नेटिक मूवमेंट और बॉन्ड रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब अपन आते हैं क्वेश्चंस पे कि अपन से क्वेश्चन पूछेंगे कैसे। तो एक बात अपन को पता होता है कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड, बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डाटर, एंड द बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड। ये मैंने पहले भी आपको बताया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड। सो बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड डाटर दे आर रिलेटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वेर एज बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड डाटर इज रिलेटेड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट। अब व्हाट वी कैन डू इज अपन लिख सकते हैं मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं लिख दस डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ in O2, O2 positive, O2 negative and O2 2 negative. We are given like this. So, अपन क्या करेंगे? इनके bond order calculate करेंगे. So, we know that, वैसे तो अपन ने बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर ही रखा है। सो आंसर में आई विल राइट दैट बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव एंड O2 2 नेगेटिव, ये अपन को पता है। इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है, ये अपन को 2.5 गिवन है, ये 1.5 गिवन है और ये अपन को 1 गिवन है, बाकी तो आपको पता ही। आपने बॉन्ड लेंथ पूछा है तो
बॉन्ड ऑर्डर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो अपन बता देंगे. सो द बॉन्ड लेंथ ऑफ O2 to negative is larger than O2 is larger than O2 positive is larger than O2 and then O2 positive. We'll get like this. ऐसे बता देंगे. ये अपने पास क्वेश्चंस ऐसे पूछेंगे या आइदर इट विल बी बॉन्ड लेंथ और द बॉन्ड स्ट्रेंथ. कि भाई बताओ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, तो वो भी अपन बॉन्ड ऑर्डर से ही कैलकुलेट करेंगे. एक तो इस टाइप से क्वेश्चन हो जाएगा. फिर अपन जैसे पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कैन बी डायमैग्नेटिक, इनमें से कौन सा डायमैग्नेटिक हो सकता है, तो फिर अपन को चेक करना होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिस पर, क्योंकि इसमें से सिर्फ ये डायमैग्नेटिक है, बाकी सारे के सारे पैरामैग्नेटिक है. दूसरा क्वेश्चन मैं लिख सकता हूं दैट इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ. Order of bond length, decreasing order of bond length, or a particular question given that, that is n2 positive and n2 negative. I don't think कि मतलब किसी को भी bond order के calculation में problem होगा. मैंने आपसे कहा डायटोमिक मॉलिक्यूल में आप सारा इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिस पे ही देखें. तो वी रीड दैट आंसर में दैट इज बॉन्ड ऑर्डर ऑफ एन टू इज 3, एन टू पॉजिटिव इज 2.5 एंड एन टू नेगेटिव इज ऑल्सो 2.5. ये अपना कैलकुलेशन हुआ. अब इसमें बिल्कुल बताना पड़ेगा कि भाई बॉन्ड लेंथ बताना है तो इन दोनों का बॉन्ड लेंथ तो बड़ा होगा, इससे विन हो दैट. सो अकॉर्डिंग टू वैल्यू वी कैन से दैट बॉन्ड लेंथ ऑफ एन टू पॉजिटिव एंड एन टू नेगेटिव इज लार्जर देन एन टू. ये बिल्कुल पता चल गया इसको देखते हैं, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर अगर छोटा होता है तो बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है. किसी को डाउट है तो बोलो. अब इन दोनों में कैसे कैलकुलेट करोगे, क्योंकि या तो अपन इक्वल बॉन्ड लेंथ तो लिख सकते हैं या फिर हम मान लो इक्वल वाला अपन को नहीं गिवन है क्वेश्चन, तो अपन ऐसे चेक करेंगे कि इन दोनों में से ज्यादा अनस्टेबल कौन है, क्योंकि जो ज्यादा अनस्टेबल होगा उसके बॉन्ड को ब्रेक करना आसान होगा. इन दोनों में ज्यादा अनस्टेबल कौन है, क्योंकि ज्यादा अनस्टेबल होगा तो बॉन्ड को ब्रेक करना आसान होगा. बॉन्ड को ब्रेक करना आसान होने का मतलब है तोड़ना इजी होगा, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कम रहा होगा. क्योंकि अगर बॉन्ड ऑर्डर कम है तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द एटम कम होगा, और नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द एटम अगर कम है तो बॉन्ड को तोड़ना इजी होगा. तो अपन इसमें कहेंगे ठीक है भाई, बोल रहे दैट अपने पास ऐसे गिवन है, तो अब दोनों में चेक कर लेते हैं N2 पॉजिटिव और N2 नेगेटिव में अपन को क्या मिलेगा. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये तो N2 था. अगर मैं N2 नेगेटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं, अगर N2 पॉजिटिव लिखेंगे तो इट विल बी लाइक दिस, और N2 नेगेटिव लिखूंगा तो इट विल बी लाइक दिस. N2 नेगेटिव लिखूंगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी लाइक दिस. द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ N2 नेगेटिव इज दिस. तो अगर N2 नेगेटिव लिखूंगा तो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज लाइक दिस, दिस इज N2 नेगेटिव. तो अपन क्या कहेंगे N2 पॉजिटिव और N2 नेगेटिव में अगर अपन देखें तो हमारे पास डिफरेंस जो आ रहा है वो सिर्फ यहां और यहां आ रहा है. यही पार्ट में डिफरेंस हो सकता है, अगर हो सकता है इसमें ये फुली फिल्ड है, इसमें पार्शियली फिल्ड है, इसमें ये पार्शियली फिल्ड है.
तो अपन ये चेक करेंगे कि दोनों में से अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है और एंटी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होती है। तो जिस मॉलिक्यूल और आयन में एंटी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी कम होगी क्योंकि उसमें ज्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन होंगे। यहां पर एंटी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन सिर्फ चार है जिनकी एनर्जी ज्यादा होती है, बाकी सब बॉन्डेड है। यहां पर एंटी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आता है तो जिसमें एंटी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी कम है। स्टेबिलिटी कम का मतलब हुआ उसके बॉन्ड को ब्रेक करना आसान है और बॉन्ड को ब्रेक करना अगर आसान है इसका मतलब उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। सो अपन लिखेंगे इफ बॉन्ड ऑर्डर इज सेम देन द मॉलिक्यूल विथ मोर नंबर ऑफ एंटी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स मतलब सिग्मा स्टार या पाई स्टार में प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन्स। सो द मॉलिक्यूल विद मोर नंबर ऑफ एंटी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इज लेस स्टेबल। सो इट्स बॉन्ड लेंथ इज मोर और लेस बॉन्डेड। अब बॉन्डेड इसलिए लिख रहे अपन क्योंकि बॉन्डेड तो 2.5 आ रहा था इसलिए तो अपन ने ये किया हुआ। तो अब अपन बता सकते हैं कि किसकी बॉन्डलेंथ ज्यादा होगी। तो N2 नेगेटिव का बॉन्डलेंथ ज्यादा होगा क्योंकि इसमें एंटी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। फिर अपन N2 पॉजिटिव बताएंगे और फिर उसके बाद अपन N2 बताएंगे। सो दिस इज द बॉन्ड order of bond is this is the order of bond length. This is how we can write the order of bond length. Sir bolo sir agar anti bonded electron bhi same hue to possibly nahi पॉसिबल कैसे लिखोगे मॉलिक्यूल में एंटी बॉन्डेड सेम है और बॉन्ड ऑर्डर भी सेम है ऐसा पॉसिबल ही नहीं। फिर वो सेम मॉलिक्यूल और आयन नहीं हो सकता। सो एक तो अपन से इस टाइप का क्वेश्चन पूछी है मतलब इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब अपन कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। पॉइंट 1 में डिस्कस अपन कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो अपन को चाहिए। सो पॉइंट 1 लिख रहे हैं अपन है इसको ओके सबको समझ में आया। यस सर। अब मैं कुछ कुछ आपको डिस्कस करूंगा भाई। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को याद रखना बड़ा इजी है। पहले 1s ऑर्बिटल लिख लो फिर 2s ऑर्बिटल लिख लो फिर 2p ऑर्बिटल लिख लो। वन एस में s सिर्फ सिग्मा बना सकता है, s सिर्फ सिग्मा बना सकता है, पाई सिग्मा भी बना सकता है और p जो है वो पाई सिग्मा भी बना सकता है पाई भी बना सकता है। इसलिए अपन ने सिग्मा भी लिखा और पाई भी लिखा। So in molecular orbital electronic configuration, assume Z axis as intermediate axis if nothing is mentioned. Intermediate axis. If nothing is mentioned,
मेंशन। वो इंटरन्यूक्लियर एक्सेस होगा, लेकिन अगर मेरी मर्जी मैं चेंज भी कर सकता हूं। इफ इंटरन्यूक्लियर एक्सेस चेंजेस, सपोज मैं एक्स एक्सेस ले लेता, सपोज एक्स एक्सेस, देन तो अब अपन कहेंगे हमें क्या फर्क पड़ता है सर, मतलब एक्सेस अगर चेंज करोगे तो पता क्या चेंज होगा। मैं हर बार आपको बोलता हूं कि पीजेड से सिग्मा बॉन्ड बनता है मॉलिक्यूल में, उसका रीजन यही होता है Why not X? Why not Y? क्योंकि मैं सिग्मा बॉन्ड हमेशा पी जेड ऑर्बिटल से बनाता हूं, एक्स और वाई से पाई बॉन्ड बनता है। लेकिन अगर अपन को स्पेसिफिकली कहा कि देख भाई इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इज एक्स एक्सिस, तो अपन इसको एक्स लिख लेंगे और एक्स की जगह जेड को भेज देंगे, मतलब फिर आपको सिग्मा टू पी जेड की जगह सिग्मा टू पी एक्स लिखना होगा अगर आपको इंटरन्यूक्लियर एक्सिस चेंज किया तो। इधर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड एक्सिस, अगर आप चेंज करोगे तो मैं एक्स लिख लूंगा, तो मैं लिखूंगा सिग्मा वन एस सिग्मा स्टार वन एस सिग्मा टू एस सिग्मा स्टार टू एस, देन आई विल राइट दैट पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई, थोड़ा बड़ा लिखिए ना पाई टू पी वाई, उसमें विजिबिलिटी में प्रॉब्लम जा रहा है क्या? हाँ सर थोड़ा सा सर बहुत छोटा छोटा हो गया सर, नहीं बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, अपन थोड़ा पास कर लेते हैं बेंच को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक मिनट रुकना। अब बताओ। हाँ सर अभी ठीक। हाँ तो पास कर लेते ना, क्योंकि इतना ही तो पहले लिखता रहा मैं, इसके मतलब लैपटॉप दूर रखा हुआ है, उसको पास कर देंगे। तो वी गेट इट, और ये अब यहां पर x की जगह पर z लिख लेंगे और ये सिग्मा टू पी जेड हो जाएगा, z की जगह अपन जो अपन ने लिखा ना ये x हो जाएगा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। सो पाई स्टार टू पी एक्स टू पी जेड होता है, फिर पाई स्टार टू पी y होता है और सिग्मा स्टार टू पी एक्स हो जाएगा, मतलब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर चेंज होगा तो अपन को जो सिग्मा बॉन्ड बनाना है उसको ऐसे बनाना है, x से बनाना है, ये चेंज हो जाएगा अगर आप इंटरन्यूक्लियर एक्सिस चेंज करोगे तो। एक तो फिर कोई इंटरन्यूक्लियर एक्सेस याद रखना, अगर कोई चेंज करता है तो क्या करना है, बिल्कुल इन सी टू मॉलिक्यूल द बॉन्ड ऑर्डर इज टू, सी टू मॉलिक्यूल लिखूंगा तो द बॉन्ड ऑर्डर इज लाइक दिस, is the bond order of C2 molecule. So the number of bonds between the two carbon atoms is 2. The number of bonds between the two carbon atoms is equal to 2. Number of bonds between the two carbon atom is equal to 2. So we got that. हम कार्बन में जो दो बॉन्ड्स बनाएंगे वो ऐसे बनाएंगे, दो बॉन्ड्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी डजंट फॉलो द ऑक्टेट रूल,
तो सिर्फ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, यही बड़ी बात है, वो उतना ही फॉलो करता है बस। इन सी टू मॉलिक्यूल बोथ द बॉन्ड्स आर पाई बॉन्ड्स, इन सी टू मॉलिक्यूल्स बोथ द बॉन्ड्स आर पाई बॉन्ड्स, बोथ द बॉन्ड्स आर पाई बॉन्ड्स। अब ये पार्ट तो अपन ने कभी पढ़ा नहीं कि भाई डबल बॉन्ड है और बगैर सिग्मा के पाई बॉन्ड एग्जिस्ट कर जाए, दोनों पाई बॉन्ड है। हमने जो C2 मॉलिक्यूल लिखा ना, तो C2 मॉलिक्यूल में जो लास्ट ऑर्बिटल्स थे 2p ऑर्बिटल वाले, वैलेंस शेल वाले लास्ट ऑर्बिटल्स, उसमें सिग्मा 2pz बना ही नहीं। मतलब अगर इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं गया है तो वहां सिग्मा बॉन्ड है ही नहीं, वो सिर्फ पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। ये दो इलेक्ट्रॉन और ये दो इलेक्ट्रॉन से अपन ने चार इलेक्ट्रॉन से दो बॉन्ड बनाए, चार इलेक्ट्रॉन से दो बॉन्ड बनाए और दोनों ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन जो है वो पाई ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। चारों के चारों ऑर्बिटल जो है वो पाई ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है। अगर वो पाई ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे तो देयर इज ओनली अ फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। सर बोलो। सर तो फिर C2 के केस में हम लोग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस X या Y नहीं ले सकते? क्यों नहीं ले सकते? जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आपको बताना पड़ेगा। सर फिर उससे भी दो पाई बनेंगे क्या? जो भी होगा दो पाई बनेंगे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपन कहेंगे अच्छा ऐसी बात है, तो फिर अगर मान लो ऐसे होता तो क्या था, सिंगल बॉन्ड में क्या सिर्फ एक पाई बॉन्ड बनता? बिल्कुल। इन बी टू मॉलिक्यूल बॉन्ड ऑर्डर इज वन, सो द bond between the boron atom is a pi bond, there is no sigma bond. But ek baat ko dhyan rakhna, it is only in case of molecular orbital theory hai, jo kisi rules ko nahi manta. So agar apan se pucha jaye ki pi bond can exist without a sigma bond, mana kar denge. Lekin agar molecule mein pucha jaye C2 या B2 मॉलिक्यूल या ऐसे डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स में अगर पूछा जाए जो अपने सिलेबस में है, तो ध्यान देना अगर C2 मॉलिक्यूल पूछा है तो उसमें बताऊंगा दोनों पाई बॉन्ड है, बोरोन में तो सिर्फ एक ही बॉन्ड है और वो भी पाई बॉन्ड है बस। सो डायटॉमिक मॉलिक्यूल का सारा इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से लिखा जाएगा। अब ऐसा होता क्यों, मैं ऊपर लिख रहा हूं, बिकॉज द मॉलिक्यूल्स अप टू नाइट्रोजन एटम, अप टू नाइट्रोजन एटम द डोमिनेंस ऑफ of s orbitals is more than p orbitals. जब अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 14 तक की बात करते हैं तो ये तीन p होते हैं और चार s मिक्स करते हैं,
तो एसपी मिक्सिंग जो होती है इसको अपन कहते हैं एसपी मिक्सिंग, वो ज्यादा नहीं होती। मतलब यहां पर पी ऑर्बिटल्स में पाई बॉन्ड भी बन सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड भी बन सकते हैं, लेकिन एस ऑर्बिटल का डोमिनेंस ज्यादा है पी ऑर्बिटल से, क्योंकि एस चार होते हैं और पी तीन ही होते हैं। तो पी का ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं लेते, मतलब पी ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड भी बना सकता है, पाई बॉन्ड भी बना सकता है। पाई भी बना सकता है इधर अगर और होता तो, मतलब एन टू मॉलिक्यूल होता तो सिग्मा भी बनाते और पाई भी बनाते। तो एस का डोमिनेंस ज्यादा है, मतलब एसपी मिक्सिंग बहुत ज्यादा होती है, तो एस का डोमिनेंस ज्यादा होता है। अब S का डोमिनेंस ज्यादा होता है तो P का इंपॉर्टेंस नहीं होता है, P का इंपॉर्टेंस नहीं होता है, तो P पहले पाई बॉन्ड बना ले या बाद में पाई बॉन्ड बनाए कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां तक अगर अपन चेक करेंगे तो SP में SP मिक्सिंग टेक प्लेस, लेकिन उसमें S का डोमिनेंस ज्यादा है और P का कम है। तो अप टू N2 मॉलिक्यूल द डोमिनेंस ऑफ S ऑर्बिटल्स इज मोर देन द P ऑर्बिटल्स, so due to sp mixing, mixing of orbitals, due to sp mixing of orbitals, so due to sp mixing of orbitals, the percentage of s character is more. तो इससे हमें क्या? हाँ, तो इनका डोमिनेंस अगर ज्यादा है तो फिर ये सिग्मा बॉन्ड बनाए या पाई बॉन्ड बनाए हमें फर्क नहीं पड़ता। दस पी ऑर्बिटल्स कैन फॉर्म सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैन फॉर्म पाई बॉन्ड फर्स्ट देन सिग्मा देन सिग्मा बॉन्ड। बट एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, जैसे ही इसके बाद इंक्रीज होगा तो पी का डोमिनेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि फिर पी में छह हो जाएंगे और इसके चार हो जाएंगे। अगर इनमें एक भी इलेक्ट्रॉन आया, क्योंकि अगर इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन आता है तो अपन को पूरा लिखना होता है, तभी मैं ये तीनों काउंट कर रहा हूं जबकि इन दोनों में लिखा हुआ है, तो तीनों ही काउंट करेंगे। पर एक भी इलेक्ट्रॉन इसमें आया तो तीनों काउंट करने पड़ेगा। तो अगर इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन आया तो फिर मुझे पी का डोमिनेंस ज्यादा दिखाना होगा एस के कंपेयर में। बट एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन 14, देन जैसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 से ज्यादा होंगे तो पी का डोमिनेंस बढ़ जाएगा, पी ऑर्बिटल्स डोमिनेंस। सो पी ऑर्बिटल डोमिनेंस 4s होंगे और 6p होंगे। दस P orbitals always form first the sigma bond, then the pi bond. The sigma bond and then the pi bond. तो फिर वो पहले sigma bond बनाएंगे फिर pi bond बनाएंगे। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो O2 molecule में पहले अपन ने ये लिखा, बाद में ये लिखा, क्योंकि O2 मॉलिक्यूल में 16 इलेक्ट्रॉन होंगे और अगर 16 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वहां पर P का डोमिनेंस ज्यादा होगा। तो इसमें द sp मिक्सिंग जनरली डू नॉट टेक प्लेस, जनरली डू नॉट टेक प्लेस।
sp mixing generally do not take place. तो उसमें एसपी मिक्सिंग नहीं होगा एंड दैट वाज द रीजन कि भाई वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने का रीजन है कि जब पी का डोमिनेंस आएगा तो पी के नंबर्स बढ़ेंगे और वो 16 इलेक्ट्रॉन के बाद बढ़ रहे हैं 16 ऑनवर्ड्स क्योंकि ओ2 मॉलिक्यूल है. इसलिए अपन ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखा ना तो पहले एक एन2 मॉलिक्यूल के लिए लिखा और बाद में फिर अपन ने ओ2 मॉलिक्यूल ऑनवर्ड्स लिखा. तो ओ2 मॉलिक्यूल में वो इसलिए चेंज हो रहा है कि जैसे ही पी का डोमिनेंस आएगा पी पहले सिग्मा बॉन्ड बनाएगा उसके बाद पाई बॉन्ड बनाएगा. अगर एस का नंबर ज्यादा है पी से तो फिर पी पाई भी बना सकता है सिग्मा भी बना सकता है. सो वी हैव टू कंसीडर दैट कि भाई अपन से ऐसे भी पूछ सकते हो considering no sp mixing. Agus in situ molecule. Calculate the bond order, magnetic moment, and अब magnetic moment लिखेंगे तो paramagnetic character तो आ ही जाएगा and magnetic character. अब देखो आपने कहा कि मतलब आपको sp mixing consider नहीं करनी है और sp mixing अगर मुझे consider नहीं करनी है तो इसका मतलब p का dominance ज्यादा होगा तो मैं ये वाला electronic configuration use करूंगा. आपने कहा है मुझसे कंसिडरिंग आप कंसिडर करो तो फिर C2 के लिए मुझे इसको कंसिडर करना पड़ेगा. आपने कहा है कि कंसिडर करो कि एसपी मिक्सिंग नहीं हुई नहीं हुई तो फिर ऑटो वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूज करना पड़ेगा मुझे. C2 मॉलिक्यूल में 12 इलेक्ट्रॉन होता है फिल करो 2, 4, 6, 8, 10 और 12 और बिकम्स पैरामैग्नेटिक. पहले तो डायमैग्नेटिक था इससे पहले सी टू मॉलिक्यूल तो डायमैग्नेटिक होता था लेकिन आपने लिखा कंसिडर करो कि एसपी मिक्सिंग नहीं हुआ. हाँ तो एसपी मिक्सिंग अगर नहीं होगा तो फिर मुझे ओ2 वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूज करना पड़ेगा. तो फिर इसमें बॉन्ड ऑर्डर विल बी इक्वल टू बॉन्ड ऑर्डर तो चेंज नहीं होगा वही रहेगा नो डाउट लेकिन इसमें एक सिग्मा और एक पाई होगा और मैग्नेटिक मोमेंट उसका 2.87 होगा. इट्स पैरामैग्नेटिक. फिर तो मैं ऐसे लिखूं आपने कहा है कि कंसीडरिंग नो एसपी मिक्सिंग अब मत लिखो कुछ भी बस बोलो कि C2 मॉलिक्यूल के पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर बताओ और बॉन्ड ऑर्डर बताओ. मैं बता दूंगा मैं कहूंगा 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं C2 मॉलिक्यूल आपने बताया मुझे क्योंकि उसमें sp मिक्सिंग होती है लेकिन आपने कहा है कि कंसीडर करना है आपको कि sp मिक्सिंग नहीं हुई तो फिर क्या. राइट द थर्ड पॉइंट फॉर हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल. वैसे हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल अपने सिलेबस में है नहीं ज्यादा लेकिन सब पढ़ रहे होंगे इसके ऊपर भी पढ़ रहे हैं. हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल अपने सिलेबस में है नहीं तो हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल मतलब डायटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट एटम्स with the different atoms. तो अपन क्या करेंगे follow n2 electronic configuration if number of electron is
लेस देन और इक्वल टू 14, अब उसको फॉलो कर लो, मतलब ऐसे मान लो मेरे पास ये एग्जांपल, तो इसमें कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, मेरे पास कार्बन मोनोक्साइड है, एनओ पॉजिटिव है, सीएन नेगेटिव है, तो फिर इन सब में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करूं, तो बता देंगे अपन कि भाई आप नाइट्रोजन वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलो कर ले, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14, तो उसमें एसपी मिक्सिंग होगी और एसपी मिक्सिंग होगा तो नाइट्रोजन वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन फॉलो कर ले। अब अगर मान लो अपने पास ऐसे गिवन है O2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 15 इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली बात, तो अपन इसमें ऐसे लिख देंगे एग्जांपल, अब उसमें और मतलब ऐसे डिपेंड करता है कि बन से कौन से मॉलिक्यूल्स गिवन है, बट होना चाहिए हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, बट ओनली डायटॉमिक मॉलिक्यूल है, वैसे अपने सिलेबस में सिर्फ होमोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल है, ये हेट्रोन्यूक्लियर मतलब इस टाइप के मॉलिक्यूल है जिसमें न्यूक्लियस दोनों एक जैसे हों, एक जैसे एटम हो, लेकिन मैंने तो सिर्फ इसलिए लिखा, सब पढ़ रहे अपन भी पढ़ेंगे क्योंकि इसमें बहुत प्रॉब्लम होता है, देयर आर मेनी एक्सेप्शन ऑफ दिस, जैसे मान लो अपन एक एक्सेप्शन लेके, देर आर मेनी एक्सेप्शन, इसलिए ये अपने सिलेबस में नहीं है, सब एक्सेप्शन अगर अपन लिखें तो अपन कहेंगे बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 14, मैंने 3 लिख दिया क्योंकि अपन ऐसे लिख सकते हैं 1/2 into मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ, पहले फिर लिखूंगा उसमें, वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, मैं इसी में लिख देता हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है, फॉर CO मॉलिक्यूल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 14, देयरफॉर बॉन्ड ऑर्डर इज 3, 1/2 into 10-4 divided by this is equal to 3. So, अपन को 3 bond order मिल गया. This is the electronic configuration. तो number of bonded electron कितने हो गए? We are able to tell. Number of anti-bonded electron कितने हो गए? 4. We are able to tell. अब मुझे ऐसे ही बट फॉर अगर मैं CO पॉजिटिव लिखता हूं, आयन है ये, मैंने आयन बना लिया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 30, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 30, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 30, अब अपन कहेंगे ठीक है भाई इसमें बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करूंगा तो ऐसा बॉन्ड ऑर्डर विल बी इक्वल टू 1/2 इनटू 10-3 3.5 आ रहा बॉन्ड ऑर्डर, मतलब 3 से बड़े एटम्स आ रहे हैं इसमें, अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल में इसकी एनर्जी ज्यादा होती है इन दोनों से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CO, CO का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है σ1s, σ*1s, σ2s, σ*2s नहीं होता, π2px, π2py,
पाई टू पी दैट इज सिग्मा टू पी सर। अब होता है सिग्मा स्टार टू एस, फिर पाई स्टार टू पी एस, पाई स्टार टू पी एस एंड सिग्मा स्टार टू पी एस। दिस इज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसे होता है This is all the electronic configuration. ठीक है, so this is all the electronic configuration is. अब अपन देंगे सर ये तो चेंज हो गया, तो heteronuclear molecule में there are many exceptions. Homonuclear molecule में ज्यादा exception नहीं होते हैं, इसलिए हमारे syllabus में भी वही है। तो क्या इन सभी में से exception होगा? नहीं, सीओ में था मैंने आपको बता दिया, अगर कोई दूसरा आता है तो वहां एक्सेप्शन नहीं था, लेकिन एक्सेप्शन था तो ना, इसलिए अपने सिलेबस में सिर्फ होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है, सब पढ़ रहे होंगे इसलिए अपन भी पढ़ रहे हैं, कि हो सकता है पूछ लें एडवांस पे, तो अपन को पता रहेगा कि सर ने मुझे बता रखा है कि सीओ मॉलिक्यूल में थ्री होता है बॉन्ड ऑर्डर, ऑब्वियसली बात है तीन बॉन्ड है तो थ्री तो हो गई, मुझे कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है उसमें। N2 molecule का bond order 3 है, हमें क्या calculate करने की जरूरत है? जितने bond होंगे N2 में तो होंगे। N2 molecule में 4 bond थोड़ी बना लोगे, calculate क्यों करूंगा? O2 में 2 से ज्यादा bond थोड़ी बना लोगे, calculate क्यों करूंगा? तो bond order मतलब जितने bonds होते हैं, अब आप O2 molecule लिखोगे तब भी मैं 2 bond बनाऊंगा, आप bond order calculate करो या ना करो हमें क्या फर्क पड़ता है? बताओ भाई कौन सा ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड, विच ऑर्बिटल इज ऑक्यूपाइड। तो कोई बात नहीं, अपन बताएंगे कि कौन सा ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड है, मैं इसको बता रहा हूं। सो ऑर्बिटल की ऑक्यूपेंसी देखते हैं, अब मैं इसको एक बार हटाएंगे थोड़ा बना समझता हूं। इसको अपन फिर से लिख लेंगे, ये आप लिख लिया होंगे, मैं एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेता हूं। तो व्हाट विल डू भाई, मान लो मेरे पास ऐसे सिग्मा वन एस, सिग्मा स्टार वन एस, सिग्मा टू एस, सिग्मा स्टार टू एस, फिर I two px, I two py, sigma two pz, pi star two px, pi star two py, and sigma star two pz. ये electronic configuration अपन को लिखनी है। ये electronic configuration अपन को लिखनी है। कोई problem नहीं है अपन। अब मान लेते हैं कि अपन एक एग्जाम्पल लेके कैलकुलेशन करते हैं, कौन सा पॉइंट होगा अपना, ये मेरे ख्याल से फोर्थ पॉइंट होगा, तो लिखते हैं फोर्थ पॉइंट है, दिस इज अ फोर्थ पॉइंट। तो इसमें कुछ वर्ड यूज होता है, जो वर्ड के लिए मैं मतलब इनको, जैसे लोएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर, लोएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर, अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर,
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड हाईएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इस टाइप से वर्ड्स होते हैं, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इस टाइप से वर्ड्स होते हैं। इस टाइप से अपन वर्ड्स लिख सकते हैं। अब अपन कहेंगे मान लो किसी एक मॉलिक्यूल में अपन एग्जांपल देते हैं, मैंने सपोज सी टू मॉलिक्यूल ले लिया, सी टू मॉलिक्यूल 12 इलेक्ट्रॉन्स, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12. अब इसमें ये सारे वर्ड्स अपन को लिखने आते हैं, लोएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड हाईएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। चलो लोएस्ट और हाईएस्ट, अगर पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन गया है तो मुझे यहां से ही बताना होगा, लोएस्ट ऑक्यूपाइड मतलब पाई टू पी एक्स एंड पाई टू पी वाई, ऑक्यूपाइड है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड भी मेरे लिए यही रहेगा, इससे ज्यादा और कहां ऑक्यूपाइड होगा, अब इससे पहले तो यही था, पर तो पी ऑर्बिटल से बताऊंगा एंड पाई टू पी वाई। लोएस्ट अनऑक्यूपाइड है सिग्मा टू पी जेड, सिग्मा टू पी जेड इज लोएस्ट अनऑक्यूपाइड। नहीं, आपको मतलब ऐसे नहीं सोचना है, लोएस्ट का मतलब लोएस्ट ही होगा, अब लोएस्ट अनऑक्यूपाइड में ये पाई स्टार नहीं होगा, इट विल बी, ये खाली पड़ा हुआ है, ये लोएस्ट अनऑक्यूपाइड है, ये ऑक्यूपाइड है, ऑक्यूपाइड मतलब जो फिल्ड होता है, तो आप इसे लोएस्ट बोलो या हाईएस्ट बोलो क्या फर्क पड़ता है, ऑक्यूपाइड तो बस इसी में, इसमें तो ऑक्यूपाई है ही नहीं और दोनों की एनर्जी सेम है, सो लोएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी यही है और हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी यही है। लोएस्ट अनऑक्यूपाइड भी यही होगा, तो अब हाईएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा होगा, तो अपन कहेंगे अब इसको बताएंगे, नहीं मैं इसी को बताऊंगा, इसमें वो भी सेम भाई, हाईएस्ट अनऑक्यूपाइड का मतलब ये हो गया कि भाई यहां पर अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल कौन सा है, भाई लोएस्ट अनऑक्यूपाइड और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज दिस, और हाईएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा होगा, तो अपन कहेंगे हमारे लिए अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल तो यही है, अब हाईएस्ट लिखना है या लोएस्ट लिखना है ये बता दो आप, क्योंकि जिस ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन होंगे ना अपन उन्हीं से बताएंगे ये सारे के सारे, तो मुझे लगता है कि एग्जांपल थोड़ा इजी ले लिया मैंने, एक और ले लेंगे, तो मैं एक और लेता हूं, फिर वो ये वाला नहीं लिखा अभी मैंने, एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं, तो मैं एक ऑप्शन का एग्जाम्पल लेता हूं, ऑप्शन में अपन को ज्यादा अच्छा रहेगा मुझे लगता है, नाइट्रोजन लेंगे तो भी ठीक रहेगा, नाइट्रोजन लेंगे तो नाइट्रोजन में बस ये है कि हाईएस्ट ऑक्यूपाइड ये हो जाएगा, लोएस्ट ऑक्यूपाइड ये हो जाएगा, हाईएस्ट अनऑक्यूपाइड ये हो जाएगा और लोएस्ट अनऑक्यूपाइड भी यही हो जाएगा,
अनऑक्युपाइड तो है ही है, तो अनऑक्युपाइड मतलब खाली। तो अगर मैं नाइट्रोजन लेता हूं N2 मॉलिक्यूल में, N2 मॉलिक्यूल में सिग्मा 1s होगा, सिग्मा स्टार 1s होगा, सिग्मा 2s होगा, एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना।